जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो ये स्पेशली होने वाला है, क्या कम नंबर पर भी आपको फर्स्ट चॉइस मिल सकती है या क्या कम नंबर पे भी फर्स्ट चॉइस मिलती है। बहुत सारे बच्चे आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपके अच्छे नंबर आए, यानी आपके अगर टॉप नंबर आए SSC GD में, तभी आप अपनी फर्स्ट चॉइस पा सकते हो, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन हाँ, कम नंबर पर भी आपकी फर्स्ट चॉइस मिल सकती है, इसका कोई शक नहीं है। फर्स्ट चॉइस लाड दो बिल्कुल, अगर आपके कम नंबर आते हैं तो भी आप फर्स्ट चॉइस ले सकते हो। वो कैसे मिलती है उसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और SSC GD का संपूर्ण कोर्स मात्र 600 रुपये में। अभी आर्मी का भी तैयारी कर सकते हैं आप, SSC GD की भी कर सकते हो, RPF कॉन्स्टेबल के अभी 3 कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, जल्दी से जाके परचेज कर लीजिए। लाड लो SSC GD की जो फर्स्ट चॉइस है, क्या कम नंबर पे मिलती है? बिल्कुल मिल सकती है फर्स्ट चॉइस, इसमें कोई शक नहीं है। लाडलो मैं बता दूं, ये सबसे पहले आप पे डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट चॉइस क्या है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे अच्छे नंबर आएंगे तभी हमको फर्स्ट चॉइस मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो भी आपको फर्स्ट चॉइस मिल सकती है। कैसे? देखिए, फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट कर क्यों कराई जाती है, क्या रीजन है कि फर्स्ट चॉइस आपसे सेलेक्ट कराई जाती है, और फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करने के बाद में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो 2018 वाली अभी जो वैकेंसी थी उसमें जो रूल बना था, उस रूल के अकॉर्डिंग बता दूं, इससे पहले रूल अलग था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, SSC GD के लिए अभी अलग हो गया, और यही नियम 2021 की जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा लाडलो, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चॉइस आपका देने का मतलब यह है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में उसी फोर्स को चाहते हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे अगर मान लो मेरे अच्छे नंबर है तो मेरे को फर्स्ट नहीं सेकंड दे देते थे, सेकंड नहीं थर्ड, यानी उससे कोई मतलब नहीं था कि मेरे बराबर किसी और के नंबर थे तो उसको और नीचे कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नीचे का मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट चॉइस थी NI है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और मेरे 90 नंबर है। ठीक है, मेरी फर्स्ट चॉइस NI और NI की मेरी 95 हुई है, मेरी सेकेंड चॉइस मान लो BSF है और मेरे 90 नंबर है, तो मुझे BSF दे देते। ठीक है, अब मान लीजिए एक दूसरा लड़का है जिसका 90 नंबर है, तो पहले क्या होता था, इन दोनों में से किसको मिलती थी, मुझे मिलती थी, भले ही मेरी ये सेकंड चॉइस है BSF, लेकिन मुझे मिलती थी। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे 90 नंबर है और मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, और तो ये मेरे को मिल जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आपके 90 है और मेरे 91 भी है, और आपकी अगर फर्स्ट चॉइस BSF है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में BSF दी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो NIA और BSF का एक तुलना करता हूँ कि मेरे जहाँ मान लो जो BSF है मेरी थर्ड चॉइस है, ठीक है, मेरी थर्ड चॉइस है और मेरे नंबर मान लो 91 है, एक दूसरा बच्चा जिसके 90 नंबर है और उसकी फर्स्ट चॉइस BSF है, ठीक है, तो इसके 90 है और मेरे 91 है, तो हम दोनों में से BSF किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस है, इसको नहीं मिलेगी जिसकी थर्ड चॉइस है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कम नंबर पर भी फर्स्ट चॉइस मिलती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लाडलो कि आपकी फर्स्ट चॉइस चुनना, फर्स्ट चॉइस बिल्कुल अच्छे से चुनना, वही फर्स्ट चॉइस चुनना जिसको आप हिट कर सकते हो। आपको बता दूं कि मेरिट के रूप में, मैं अगर आपको समझाऊं कि मेरिट आप फर्स्ट चॉइस कैसे चुनोगे, तो लाड मैं बता दूं सबसे ज्यादा मेरिट किसकी जाती है, सबसे कम किसकी जाती है, आप अपने हिसाब से अपनी फर्स्ट चॉइस चुनना जब SSC GD का फॉर्म फिलअप करो। सबसे ज्यादा जो मेरिट जाती है, मैं एक क्रम आपको बताता हूँ, ये नहीं बताता कि हर एक स्टेट में सेम रहता है, लेकिन 90% स्टेट में ये जो क्रम है सेम रहता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, NIA, इसके बाद में SSF, CISF, SSB, SSB के बराबरी मान लो BSF और CRPF और ITBP असम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रम रहता है। तो अब आप फर्स्ट चॉइस अपने हिसाब से चुनना, 2018 वाली जो वैकेंसी था उसका ये क्रम है, यानी इन तीनों जो मैं बता रहा हूँ इन तीनों का ये है कि लगभग लगभग स्टेट में इनकी जो मेरिट है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही फर्क रहा है। किसी में जैसे BSF की फर्स्ट चॉइस ऊपर चली गई, किसी में SSB की चली गई, किसी में CRPF की चली गई, किसी में ITBP की। असम राइफल की इस बार सबसे लो रही थी, जरूर नहीं हर बार ऐसा हो लाट दो, इससे पिछली जो भर्ती थी उसमें सबसे नीचे CRPF की मेरिट थी, यानी 2017 वाली थी जो भर्ती थी, 2015 वाली उसमें सबसे नीचे किसकी थी, CRPF की, और इस बार 2018 में किसकी थी, AR की। तो अब देख लीजिए सबसे ऊपर आपको लगता है कि आप इसको हिट कर सकते हो, तो सॉरी NIA, आपको लगता है कि आप इसको हिट कर सकते हो,
तो ये फर्स्ट सोच देना, आपको लगता है कि आप ऐसा सबको हिट कर सकते हो तो ये देना, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे तो सीआई सब देना। ये नहीं कि आपकी तैयारी की, आपको पहचानना आपकी तैयारी, कैसे पहचानोगे, टेस्ट सीरीज देखे, और टेस्ट सीरीज कहाँ दोगे, अपनी एप्लीकेशन कमा दो अकेडमी पर, SSGT के बहुत सारे टेस्ट होने हैं, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, लाड लो, हर रोज टेस्ट आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इस बात को समझ जाइए, ये फर्स्ट चॉइस है। अब आपको सोचना ये है कि आपको फर्स्ट चॉइस किस प्रकार से देनी है। अगर लाड लो मैं आपको बताऊं तो आप सुन लीजिए इस बात को कि फर्स्ट चॉइस कैसे देनी है। कम नंबर पर अगर आप चाहते हो आपकी फर्स्ट चॉइस मिले तो कैसे मिलेगी, लाड लो अगर आप तैयारी कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में, या आने देखो फॉर्म तो भी अप्लाई करना पड़ेगा, और आपकी तैयारी का आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कितना तैयारी कर लोगे। अगर आप जी जान से मेहनत करते हो तो मेरे ख्याल से आपका टारगेट NIE होना चाहिए फर्स्ट चॉइस। और अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़की हो यानी जितनी भी लाडली हैं उनकी फर्स्ट चॉइस CISF होनी चाहिए या SSB होनी चाहिए, ठीक है। लड़कियों की फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, पहली CISF या SSB में से ही होनी चाहिए, लड़कों की NIE और दूसरी SSF, ठीक है। अगर आपकी अच्छी तैयारी, आपको लगता है कि आप मिडिल तैयारी है, मतलब आप तैयारी कर लोगे, अब तैयारी शुरू की और अब आप कर लोगे पक्का 100% आप अच्छे नंबर ले आओगे, तैयारी कर लोगे, तो आप फर्स्ट चॉइस इनमें से दीजिए, ठीक है। इनमें से किसी को भी फर्स्ट चॉइस दे दीजिए। क्या होगा इससे, इससे ये होगा लाड लो कि आप जो चाहोगे वो फोर्स आपको मिल जाएगी, अगर एक दो नंबर कम भी है, ठीक है। पिछली बार वैकेंसी में ये नियम हुआ था कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस ना मिले, कहने का मतलब है कि जैसे आपने मान लो मैंने NIA सेलेक्ट किया था, ठीक है, मैंने क्या किया था, NIA सेलेक्ट किया, NIA की मेरिट 90 नंबर पे गई, मेरे नंबर थे मान लो 88, तो ठीक है सीधी सी बात है NIA की मेरिट 90 नंबर पे गई थी, मेरे नंबर थे 88, तो फिर इस कंडीशन में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, इस कंडीशन में मुझे सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस या फिफ्थ चॉइस, ऐसे नहीं। अब बाकी जितनी भी वैकेंसी जैसे SSF, CISF, BSF, ITP, तो मुझे फिर अगर मेरे को फर्स्ट चॉइस नहीं दी गई तो फिर जरूरी नहीं है कि मुझे सेकंड मिले, फिर इनमें से जिसमें सीटें खाली थी वो चॉइस मिल गई है, यानी जिसमें सीटें अवेलेबल थी वो चॉइस मेरे को दे दी है, ये नहीं कि फिर मेरे को सेकंड दी फिर मेरे को थर्ड दी, ऐसा नहीं। सेकंड थर्ड 2018 से पहले ऐसे होता था कि मतलब जिसके नंबर ज्यादा थे होते थे उसको सेकंड फिर थर्ड ऐसे दे देते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब प्रायोरिटी पर ज्यादा जोर दिया गया। अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे अगर मान लो मेरे 90 नंबर है, आपके 91 नंबर है, और मैंने मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी CRPF है और आपकी थर्ड प्रायोरिटी CRPF है, तो आपसे पहले CRPF मुझे पहले मिलेगी, ठीक है, ऐसा नियम हो गया है। तो इस बात को आप पूरा ध्यान रखें, इस बात का कि आप जो फर्स्ट चॉइस है वो पूरा सोच समझ के अच्छे से ध्यान से कि हाँ भाई मेरी कितनी तैयारी है वही करके दे, उसके अलावा ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़ जाए लाड, ठीक है। पछताना कैसे पड़ गया, अब मान लो आपका, आप SSB में जाना चाहते हो या मान लीजिए आप NIA में जाना चाहते हो, आपने फर्स्ट चॉइस ITBP दे रखी है, या मान लो आपकी फर्स्ट चॉइस आपने NIA दे दी, आपके नंबर आए AR के या CRPF के या ITBP, फिर आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं CISF दे देता, कम से कम CISF तो मिल जाती मुझे, ठीक है। इसीलिए वही काम करे जितनी आपकी तैयारी है। अब आप बोलोगे सर जी तैयारी कैसे चेक करें, अभी तो तैयारी, अभी तो हमारे पेपर में जैसे 60 नंबर भी आ रहे हैं, 50 बार लाड ले कोई बात नहीं, अभी तो आपने तैयारी शुरू की है ना, अभी 4 महीने पड़े, 3-4 महीने एग्जाम के लग जाते हैं, तो अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तैयारी अगर आपने स्टार्ट की तो शुरुआत में सबका यही हाल रहता है, ठीक है। 80-90 भी जाएंगे जब एग्जाम आएगा तो पढ़ने का दिल ज्यादा से ज्यादा करेगा और नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे, नंबर का आंकड़ा, तो इस बात को ना भूले, ठीक है, इस बात को ना भूले, अभी के नंबर ना देखें, ये सोचे मैं कितनी तैयारी करने वाला हूं आगे जाके, और उसके अनुसार ही फर्स्ट चॉइस भरे। जब नोटिफिकेशन आएगी मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा फर्स्ट चॉइस का मादरा, और मेरा वीडियो देख के जिस दिन मैं लाइव आऊंगा पूरा का पूरा वीडियो देख के ही आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी चॉइस और किस प्रकार से फॉर्म में अप्लाई करना है लाड लो। जय हिंद, जय भारत।